पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद डिवीजन, मोहतरम जनाब मुस्तफा भट्टी साहब आज की इस मजलिस के इस अफ्तारी की बाबरकत महफिल के मेज़बान और इस यूनियन काउंसिल और इस इलाका से मोहतरम दोस्तों भाइयों, मैं मुस्तफा भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज ये मौका अरेंज किया और मुझे आपसे मुखातब होने का मौका मिला। मुस्तफा भट्टी साहब ने जो गिले शिकवे किए हैं, मैं उनका जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि देखें, जिंदगी में हमें एक दूसरे से वास्ता पड़ता रहता है। अगर एक आदमी आपका तीन मर्तबा साथ दे और एक मर्तबा ना दे सके तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तीन दफा को भूल जाएं और एक दफा को याद रखें। अगर कोई आदमी आपसे प्यार करे, आपसे मोहब्बत करे, आपके साथ चले और किसी वक्त में उससे कोई नाराजगी भी सरजद हो जाए तो नाराजगी को भूल जाना चाहिए और अच्छाई को जो है वो याद रखना चाहिए। इसलिए मुस्तफा भट्टी साहब ने अगर कभी जो है वो ये हमारी उम्र या हमने जिस तरह से समझा उस तरह से वो जो है वो काम नहीं कर सके, तो मैं ये एतराफ करता हूं कि उन्होंने अगर एक आध मर्तबा नहीं कर सके तो उन्होंने बीसों मर्तबा जो है वो हमारे साथ बहुत भरपूर तरीके से जो है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं और हमारा साथ दिया है। तो इसलिए कोई उनसे गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मामला ये है कि मैं इस हलके से पांच मर्तबा जो है वो आपने मुझे सूबाई असम्बली में भेजा, उन पांच मर्तबा में से तीन मर्तबा आपने यहां से मुझे मुंतखब करके भेजा कि मैं आपके काम करूं, इस इलाके के मसाइल को हल करूं, लेकिन मैं उन तीनों मर्तबा जो है वो मैं अपोजिशन में चला गया। अब जब बंदा अपोजिशन में होता है तो ये आपको मालूम है कि अभी पाकिस्तान की जमहूरियत इतनी मजबूत नहीं हुई कि अपोजिशन के हलके में भी काम हो, तो इस हलके में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जब चौथी मर्तबा आपने मुझे मुंतखब किया 2007 में, तो फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में जो है वो हुकूमत बनी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बने और उसके पांच साल बाद जब दोबारा आपने मुंतखब किया 2013 में, तो फिर दोबारा ना सिर्फ पंजाब में बल्कि मरकज में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी और मियाँ नवाज शरीफ वजीर आजम बने, पंजाब में वही हुकूमत, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे और मुझे दोनों मर्तबा पंजाब में जो है वो वजीर कानून और पार्लियामानी अमूर की जिम्मेदारी जो है वो मिली। राणा सुनाओ इन मियां नवाज शरीफ इन दोनों अदवार में मैं ये बात दावे से कहता हूं कि इस हलके के जो भी काम थे अल्लाह के फजल से वो सब किए। तमाम सड़कें, गलियां, गैस, सीवरेज, मेन रोड्स, ये मुजफ्फर कॉलोनी वाली मेन रोड जो है इसका जो हाल होता था वो अब नौजवानों को तो शायद ना मालूम हो लेकिन बुजुर्गों को सबको पता है
कि बारिश पड़ती थी तो समराबाद के लोग समराबाद और मुजफ्फर कॉलोनी के लोग मुजफ्फर कॉलोनी, नवाबा वाला जो है वो एक तालाब का जो है वो समा पेश किया करता था। इस पूरे हलके में कोई ढंग की जो है वो डिस्पेंसरी भी नहीं थी। हमने अल्लाह के फजल से आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जो है इस हलके में हॉस्पिटल बना के दिया। इस पूरे हलके में कोई ढंग का जो है वो हाई स्कूल नहीं था। हमने अल्लाह के फजल से आपको दो खवातीन के कॉलेजेस इस हलके में बना के दिए, एक जो है वो नाजमाबाद की तरफ और दूसरा जो है ये समनाबाद। इसी तरह से जो है वो कम्युनिटी सेंटर बना के दिया, यानी जो जो भी शहरी जरूरियात आपको चाहिए थी वो सब जो है वो यहाँ पे मुहैया की। आपकी मेन रोड्स और बाकी गलियां और सड़कें सारी जो है वो साफ सुथरी थी और बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो 2018 में मेरे इस हलके को तीन जगह पे तकसीम किया गया। क्योंकि जितनी मर्जी वो धांधली करते, जितना मर्जी एजेंसियां जोर लगाती, हमने लोगों की खिदमत की हुई थी, उन्हें पता था कि वो जो है वो कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने इस हलके को तीन हिस्सों में तकसीम किया और इस हलके को एक तरफ वो जाल खानों वाला तक पहुंचा दिया, दूसरी तरफ जो है वो डी टैप से भी आगे मलखाना तक ले गए। मकसद सिर्फ ये था कि हमें जो है वो कमजोर किया जाए। लेकिन अल्लाह ने उसी खिदमत की बुनियाद पे, आप यकीन करें कि जो खिदमत यहां पे लोगों की थी, मुझे नेशनल असेंबली के हलके में वहां पे लोगों ने इसलिए वोट दिए कि आपने अपने शहर के हलके की खिदमत की है, वो हमने देखा है, हम देखते हैं। तो अगर आप हमारे हलके से मुंतखब होंगे तो हमारे हलके के भी जो है वो हालात बेहतर होंगे, हमारी भी डेवलपमेंट होगी। यानी यहाँ की खिदमत का अल्लाह ताला के फजल से वहाँ पे सिला मिला और मैं एक छोटी असम्बली में था, सूबाई असम्बली में था, अल्लाह ने जो है वो बड़ी असम्बली और नेशनल असम्बली में जो है वो भेज दिया। और आज अगर मेरे पास कोई अहदा है तो वो आपकी खिदमत के नतीजे में है और अल्लाह ताला के फजल व करम से है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये एक दौर, अब आप देखें कि मैं तो यहाँ पे खड़े होके मैंने ये पांच सात चीज़ें आपसे गिनवा दी, हॉस्पिटल, कॉलेज, सीवरेज, बाकी सारी चीज़ें, कम्युनिटी सेंटर्स, रोड्स, लेकिन अगर मैं तमाम चीज़ों को गिनवाने लगूं तो ये जो है वो बीसों चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इस हलके में जो है वो आपकी खिदमत के लिए बनाया गया। लेकिन जो लोग पिछले चार साल यहाँ पे हुकूमत में रहे, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे कहलवाए, वो कोई एक चीज़ बता दें। मैंने तमाम स्कूलों को अपग्रेड किया, कोई एक स्कूल ऐसा नहीं कि जिसकी जो है वो बिल्डिंग में इजाफा नहीं हुआ। ये किसी डिस्पेंसरी, किसी स्कूल, किसी हॉस्पिटल, किसी कॉलेज में कोई एक कमरा बता दें कि जी ये कमरा हमने बना दिया वहां। कोई ये इस इलाके में जो है वो ढंग का काम इन्होंने किया वो बता दें, मांसवाए ठेकेदारों से कमीशन लेने के और पैसे बटोरने के, इन्होंने क्या खिदमत की है इस इलाके की। तो ये चीजें जो हैं, मैं समझता हूं कि आपको इस चीज का इदराक और एहसास करना चाहिए। और अब इलेक्शन जो हैं 14 मई को तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे, ये जितना मर्जी जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और जो है वो इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है।
इसलिए आपको इलेक्शन की तैयारी जो है उसका जो आगाज आपने किया है उसको जारी रखना है। ये इलेक्शन मई में हो या अक्टूबर में हो, ये आपने अपने इस अमल को जो है वो रोकना नहीं है। और आपने घर घर जाके इस पैगाम को पहुंचाना है। ये कहते हैं कि जी महंगाई है और महंगाई की वजह से आम आदमी का को मुश्किलात का शिकार है। आप मुझे बताएं कि 31 मई 2018 को जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त जो है वो आटा 35 रुपए किलो नहीं था। उस वक्त डॉलर की कीमत क्या थी? उस वक्त पेट्रोल 65 रुपए लीटर नहीं था। उस वक्त आम आदमी जो है वो अपने गुजरे औकात बाइज्जत तरीके से नहीं कर रहा था। 2013 में जब हमारी हुकूमत बनी तो पूरे मुल्क में 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी और दहशतगर्दी के वाकयात रोज होते थे। क्या हमने, मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ की क्यादत में लोड शेडिंग खत्म नहीं की? और क्या दहशतगर्दी पे काबू नहीं पाया? सी पैक जो कि अगर आज तक मुकम्मल हो चुका होता तो पाकिस्तान जो है वो इसे पूरी दुनिया में एक एक बिलियन डॉलर के लिए लोगों के और मुल्कों के पांव ना पकड़ने पड़ते। लेकिन जब ये इस फितने को एक साजिश के तहत, एक प्रोपेगंडे के तहत इस फितने को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया और उसी तरह का एक उबाश टोला इस फितने के जो है वो साथ था, इन लोगों ने 4 सालों में ऐसी पॉलिसियां अपनाई कि जिनके नतीजे में एक अच्छा भला मुल्क जो तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो ऐसे मौशी हालात में गिर गया कि उसके लिए जो है वो एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई। आईएमएफ का मुआहदा ये कहता था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। ये फिर उसके पास गया और वहां पे जाके एक ऐसा मुआहदा कर किया कि उस मुआहदे पे अमल करते 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 हम यहां तक पहुंच गए। ये आईएमएफ की वजह है कि जी ये बिजली से सब्सिडी खत्म करें और बिल बढ़ाएं, गैस से सब्सिडी खत्म करें महंगी करें, पेट्रोल से सब्सिडी खत्म करें जितनी कीमत उसकी दुनिया में उतनी कीमत यहां पे करें। ये वो शरायत है, ये वो मुआहदा है जिसके ऊपर हमने दस्तखत नहीं किए बल्कि पिछली गवर्नमेंट ने, जो ये फितने की गवर्नमेंट थी और ये वजीर आजम था, इन्होंने जो है वो दस्तखत किए। इस वजह से जो है ये मुश्किलात हैं। जब जब भी इस मुल्क के ऊपर बहरान आया और अवाम ने एतमाद किया मुस्लिम लीग पर और मियां नवाज शरीफ पर, उन्होंने तब तब इस मुल्क को जो है वो बहरान से निकाला। 99 में जब बहरान आया था, इंडिया ने जो है वो 5 एटमी धमाके किए थे और उन धमाकों के नतीजे में इंडिया जो है वो कह रहा था, उस वक्त हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको ये आज से 20-25 साल पहले की बात है, इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए और उसके बाद उनका वजीरे दाखला था एलके अडवाणी, वो टीवी पे आया और आके कहने लगा कि पाकिस्तान को अब होश करना चाहिए, उन्हें ये सीखना चाहिए कि अब हिंदुस्तान के साथ हमारे साथ बात कैसे करनी है क्योंकि हम एक एटमी कुव्वत है। पूरी कौम परेशान थी कि अब क्या बनेगा, हिंदुस्तान एटमी कुव्वत बन गया है, अब तो जो है वो हमारा कोई हाल नहीं रहेगा। और पूरी दुनिया ये कह रही थी कि खबरदार अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, क्योंकि मुसलमान मुल्क एटमी कुव्वत हो ये दुनिया को काबिले कबूल नहीं है। अब ये लोग जो बातें कर रहे हैं, जो तरह तरह के जो है वो बहाने बना रहे हैं, किसको नहीं मालूम। और क्या ये हकीकत नहीं है कि उस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम मियां नवाज शरीफ था
उसने पूरी दुनिया से टक्कर ली और इस बहरान से पाकिस्तान को निकालने के लिए इंडिया के 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को एटमी कुवत बनाया और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सुर्खरू किया। आज अगर पाकिस्तान अपने वजूद को कायम रखे हुए है तो सिर्फ इसलिए कि वो एक एटमी कुवत है, क्योंकि हिंदुस्तान को पता है कि अगर हमने हमला किया, कोई हरामजदगी की, कोई हरकत की, तो पाकिस्तान एक एटमी कुवत है। वरना जिन बहरानों से हम गुजर रहे हैं, अगर हम एटमी कुवत ना होते तो इंडिया जो है वो आज तक हमें खा चुका होता। उसके बाद पूरी दुनिया ने बाइकॉट किया, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को उस बहरान से निकाला। उसके बाद फिर एक मार्शल लाई दौर आया 10-12 साल का, और 2013 तक फिर इस मुल्क को जो है वो बहरानों में डाला गया। फिर 2013 में ये सूरत हाल थी कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग और दहशतगर्दी जो है उसका ये आलम था कि लोग कहते थे कि सवाद में तो दहशतगर्द आ चुके हैं, अब सिर्फ इस्लामाबाद में आना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ पे कौम ने इत्माद किया, मुस्लिम लीग पे इत्माद किया, मियां नवाज शरीफ के साथियों हम पे आपने इत्माद किया। हमने 4 साल में इस मुल्क को बहरान से निकाला, दहशतगर्दी भी खत्म की और लोड शेडिंग भी खत्म की, और मुल्क जो है वो 2018 में तरक्की के रास्ते पे गामजन हो चुका था। लेकिन बदकिस्मती कि जिस तरह से पहले मुल्क को तरक्की से रोका गया, एटमी कुवत बनने पर दोबारा उसे एक जनरल ने आके दबोच लिया। इस मर्तबा जनरल खुद तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने ये एक फितना जो है ये निकाला और इस बेशर्म टोले को इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया, जिसने 4 सालों में मुल्क का ये हशर किया। हमने भरपूर कोशिश की है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से मुल्क बच गया है। और IMF का मुआहदा, जिस मुआहदे को करने के लिए ये सारी महंगाई और ये कीमतें बढ़ी हैं, वो अब हो चुका है, इंशाल्लाह होने वाला है। और अन करीब ये जो पस्ती की तरफ सफर था ये इंशाल्लाह रुक जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ की क्यादत में जो है वो मुल्क को इस बहरान से निकालेगी। आम आदमी के हालात बेहतर होंगे, आपकी तरक्की भी होगी, डेवलपमेंट के काम भी होंगे। जिन सड़कों का आप जिक्र कर रहे हैं, आप याद करें कि जब 2018 था तो मैं इलेक्शन से पहले मैंने पूरे हलके का दौरा किया था, तो हर जगह पे मैंने पूछा कि कोई काम है तो आप अभी बता दें, बाद में फिर इलेक्शन है, तो हर जगह से आवाज थी कि जी काम हमारे सारे हो गए हैं, कोई काम नहीं है। इंशाल्लाह ताला वही चीज जो है वो इस हलके में आपकी खिदमत करके जो है वो दोबारा लेके आएंगे। आप अपने हौसले बुलंद रखें और ये जो प्रोपेगंडा है, क्योंकि इस बेशर्म टोले के पास प्रोपेगंडे के अलावा और कोई चीज नहीं, हर वक्त कोई ना कोई नई बात निकाल के प्रोपेगंडा करना और खास तौर पे नौजवान नस्ल को बेरहरवा करना, बदतमीज करना, उनको ओए तोए का कल्चर जो है वो समझाना, ये इस टोले का जो है ये बुनियादी अमल है। आप इसका भरपूर तरीके से मुकाबला भी करें, इसका तदारक भी करें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और मियां नवाज शरीफ पर पूरा यकीन रखें। इससे पहले भी वो आजमाए हुए हैं, जबकि इन्होंने 4 सालों में जो किया वो आपके सामने है। पूरे फैसलाबाद में देख लें, इस हलके को छोड़ें, इन्होंने क्या काम किया, कोई एक काम बताने को हो तो ये बताएं। मासवाय हमारी लगी हुई तख्तियां जो हैं उनको उतार उतार के अपनी तख्तियां लगा ली हैं। बताएं इन्होंने कोई मोटरवे बनाया हो, कोई इन्होंने मेट्रो बनाई हो, कोई एक्सप्रेसवे बनाया हो, ये सारी चीजें तो वही हैं जो हमारे जमाने में बनी थी। इन्होंने सिर्फ लोगों के साथ धोखा किया, लोगों के साथ फ्रॉड किया,
ये कहते थे हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, कहां है वो करोड़ नौकरी? कोई बताए ना हमें कि जी इस हल्के में उस करोड़ में से ये 20-25 नौकरियां जो है वो लोगों के हिस्से में आई हैं, जो कोई आई है वो इन्होंने बेची है। ये जो कुपी प्रोग्राम है जो शाम को 6-7 बजे अपने होश में नहीं होता, क्या खिदमत की है इसने 4 साल जो है वो इस हल्के की? कहां है वो 50 लाख घर जो कहते थे जी 50 लाख घर हम बना के गरीबों में तकसीम करेंगे? कोई 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 घर नजर नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगंडा मशीनरी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने लोगों को जो है वो गुमराह किया और खुद ये इस मुल्क पे काबिज हो गए। लेकिन फिर भी अगर एजेंसियां इनके साथ ना होती, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ना होती, तो फिर भी ये सब काबिज नहीं हो सकते थे। और अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने भी कानों को हाथ लगाए हैं, वो भी कहते हैं कि इतना बेगैरत और इतना झूठा आदमी जो है वो हम उसकी मदद करके जो हमसे गलती हुई है हम अब उसका अजाला करना चाहते हैं। तो ये पूरी कौम इस बात का अजाला करे और भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग को कामयाब बनाए। इंशाल्लाह अनकरीब जैसे ही इलेक्शन करीब आएगा, शुरू होगा, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, और मुस्लिम लीग की इलेक्शन कैंपेन को वो लीड करेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करके जो है वो कौम को, मुल्क को इस बहरान से, और आम आदमी जिन मुश्किलात में गिरा हुआ है, गरीब आदमी जिन मुश्किलात में गिरा हुआ है, उसे इन हालात से जो है वो निकालेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।